यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक कुछ इस तरह से भाई ठंडी करी जाती है। डल लेक, यहाँ पर जो पेड़ दिखने ना ये बहुत ही बढ़िया दिखते हैं इस लेक, एकदम व्यू यही बनाते हैं एक तरह से। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आ चुके हैं, फाइनली वाटरफॉल पर आ गए। तो ये भाई वर्थ इट है, ये वाटरफॉल देखिए आप, ये नज़ारा देखिए। तो काफ़ी डूबने के बाद भाई हम आ गए भाई क्रैप पैनकेक डबल्स की बस बुक करी थी और लौटते हुए राम दलाल की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे और जैसे भी होगे भाइयों बहुत मज़े में होगे। तो ये है हमारे इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी कैंप धर्मशाला में दूसरा दिन। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए इनके कैफेटेरिया में आ गए, तो यहाँ पर आप स्प्रेड तो देख ही सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। आपने देखा कल तक कि ये जो पूरी एकदम नेचर के पूरी सराउंडिंग में है, मतलब कि चारों तरफ देखेंगे सिर्फ आपको ग्रीनरी मिलेगी। तो प्रॉपर्टी तो बहुत ही खूबसूरत है। लोकेशन मैंने आपको बताई दी यहाँ पर कि आप किस तरह से रीच कर सकते हैं। और यहाँ सामने ही आपने देखा था व्यू में कि यहाँ पर एक पानी बहता हुआ पहाड़ों से आता। तो आप अगर मानसून के अलावा कभी आ रहे हैं तो आप उसके पास जाकर वहाँ पर नहा भी सकते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन मानसून के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आज फिर से हम मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। कल देखा था आपने बारिश की वजह से हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाए, और आज भी भाई बारिश हो रही, तो देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। बारिश तो बंद हो नहीं रही, तो हमने प्लान किया भाई जादू बनने का, और अब हम जा रहे हैं बारिश में भीगते हुए जादू बने हुए एकदम, और जा रहे हैं भाई मैक्लोडगंज। और आज मैक्लोडगंज का क्या एक्सप्लोर करते हैं वो आप देख ही लेंगे, क्योंकि कल तो भाई चर्च गए, वहाँ भी फॉग ही फॉग, क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे, तो कुछ नहीं दिखा पाए। उसके जो आसपास जो हम लोग और मॉल रोड पर घूमे वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं पाए आपको। तो आज देखते हैं भाई क्या दिखा पाते हैं, और आज है भाई क्या शानदार। और वो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ों से नीचे ये पानी आ रहा है। लोग समर के टाइम वहाँ पर जाते हैं, नहाते भी हैं जब यहाँ पर कैंप आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मानसून का टाइम है, पानी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से हमने थोड़ा सा पानी के पास जाना अवॉइड करा, क्योंकि भाई सेफ्टी पहले है। वहाँ कहीं नीचे वहाँ कहीं एक कैफ़े भी है, वहाँ पर फूड वगैरह भी मिलता है, या तो आपने इस कैम्प से भी पैक करा के ले जा सकते हो। और ये हमारा वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पर ही हमारी स्कूटी खड़ी हुई है यहाँ पर, मतलब कि वैसे चोरी वोरी वाला कोई सीन नहीं, आप पब्लिक प्लेस पर यहाँ पर अपनी ऐसे स्कूटी पार्क कर सकते हो। चलो फाइनली रवाना हो चुके हैं, मौसम देख सकते हैं आप यहाँ पर, मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, बस अगर बारिश थोड़ी सी अगर बंद हो जाती तो ये और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। लेकिन देखो भाई यहाँ पर एकदम ये झरना बन गया भाई, मेरे क्या ये रहा भाई, वो पानी आ रहा है यहाँ से गाइस, पानी आ रहा है यहाँ से भाई, तेज हो गया गाइस, ये तो बहुत तेज हो गई है। और ये देखिए भाई, ये हम लोग आज नहीं गिरा, ये बहुत टाइम पहले का पड़ा। तो ये फॉग देखिए कितना जबरदस्त हो गया, रोड एकदम मतलब दिख ही नहीं रहा है कुछ भी यहाँ पर, और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो गया, आराम आराम से जाने का बनता है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी पहले है। तो भैया नड्डी व्यू पॉइंट पर तो आ गए, पर व्यू पॉइंट तो भैया एकदम बादल ही बादल हो गए, कुछ नहीं दिख रहा। तो हर तरफ मतलब यही सीन है भाई, हर तरफ क्लाउड्स हैं, उसकी वजह से हम कुछ भी व्यू नहीं देख पा रहे, वरना यहाँ से पूरा एकदम धौलाधार रेंज का व्यू दिखता है पूरा यहाँ से। और यहाँ पर बाइनिकुलर्स वाले भी खड़े होते हैं जो आपको मतलब कि दूर दूर की चीज़ें दिखाते हैं, पर जब फॉग इतना है, क्लाउड्स इतने हैं, तो वो भी आज नहीं आए हुए, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बनता, जब कुछ दिखाई नहीं पाएंगे तो वो क्यों आएंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं, तो अब हमने ये नड्डी व्यू पॉइंट चेकलिस्टेड, अब हम लोग जाएंगे इसके बाद डल लेक पे, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। गाइस हम लोग घूम तो सारे पॉइंट पे रहे, सारी जगह जा रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों जा रहे हो, कितनी जा रहे हो, क्या देखने आ रहे हो। ये देखो भाई, ये है डल लेक, यहाँ पर जो पेड़ दिखने ना ये बहुत ही बढ़िया दिखते हैं इस लेक पे, एकदम व्यू यही बनाते हैं एक तरह से, जो कि मतलब कि इस टाइम बादलों से छुप चुके हैं। और ये लेक है, और ये बड़ा मतलब कि बड़ी टूरिस्ट प्लेस में इसको काउंट किया जाता है, पर मैंने वीडियोज़ में भी देखा तो मुझे कुछ खास नहीं लगी,
बाकी ये जो भी है ठीक है भाई। और यहाँ पर ये टिक्की छोले वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, तो आप आओ तो ये टिक्की छोले ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो इस डल लेक पर। ये मंदिर है यहाँ पर ही। हम लोग भाई आ गए हैं बक्सू वाटरफॉल पर, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो इसका पूरा स्ट्रीट का मार्केट है, और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये वाटरफॉल का रास्ता, और यहाँ पर लोग भाई ये इस पूल में इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पूरा वाटरफॉल का ही पानी आ रहा है, ये पूल तो निकल रहा है कंटिन्यूसली। चलिए वाटरफॉल पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक कुछ इस तरह से भाई ठंडी करी जाती है। आई हम ट्रैक करके जा रहे हैं आप बक्सूनाग वाटरफॉल, ये देख सकते हैं ये पतला सा ये रास्ता दिया गया, और ये वाटरफॉल थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, अच्छा खासा लंबा एक ट्रैक है अराउंड 10 से 15 मिनट का। और अगर आप रास्ते में थक जाते हो तो बीच बीच में आपको ये पॉइंट भी मिलते जाएंगे चेंज। ये देखिए सारा वेस्ट भर भर के ये इनको कलर्स में लाए हुए वाटरफॉल देखने आई है, ये भी भाई वाटरफॉल देखने आए। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आ चुके हैं, तो ठीक ठाक ट्रैक है, मतलब ऐसा कुछ आप थकेंगे नहीं, क्योंकि जब हम नहीं थक रहे तो फिर आप नहीं थकेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा लेजी है, बाकी ये ट्रैक सही है, मतलब यहाँ पर आना वर्थ इट है, और पास जाएंगे फिर उसके बाद देखते हैं। फाइनली वाटरफॉल पर आ गए, तो ये वाटरफॉल देखिए आप, ये नज़ारा देखिए, तो मतलब कि जो हम लोग ने 15 मिनट का जो ट्रैक किया ना वो भाई वर्थ इट था, व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप बक्सू वाटरफॉल आना चाहते हो भाई तो ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि ये भाई अब तक की सबसे ज़बरदस्त जगह लगी भाई हम लोगों को, धर्मशाला मैक्लोडगंज, क्या बात है। वहाँ पर भी कुछ लोग नीचे वहाँ नहा रहे हैं भाई, यहाँ पर भी नहा रहे हैं भाई, और ये देखो पहले यहाँ पर भाई नहाना मना था, इनफेक्ट यहाँ पर शायद लिखा भी हुआ है देखो वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद लोग नहा रहे हैं भाई, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ठीक है भाई क्या कह सकते हैं किसी के लिए। बस कचड़ा लोग थोड़ा सा फैलाना बंद कर दे तो बाकी सब बढ़िया। और जब आप वाटरफॉल जाते हैं तो ये पूरा आपको ये मार्केट स्ट्रीट मिलता है पूरा, यहाँ पर आपने भाई पैनकेक, यहाँ पर हमें जैसे एंटर हुए भाई शूज़ रूम पर आके स्लीपर्स दे दी गई, एंड लुक एट दिस एम्बियंस। तो अगर आप बुक्स लवर हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, और अगर आप वीगन हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फेस्टिवल भी होता है जिसमें पूरा वीगन फूड बनाया जाता है, और कोई एक डे भी है जिस टाइम यहाँ पर पूरा वीगन फूड बनता है। बाकी बुक्स हैं यहाँ पर, एम्बिस बड़े ही मतलब कि डिसेंट टाइप है, और यहाँ पर भाई पैनकेक है, वॉफल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप फूडी हो ना, तो ये आपके लिए पूरा भरा पड़ा हुआ है मेन्यू। और इंडियंस तो आते ही आते हैं, साथ में फॉरेनर्स बहुत आते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्रैप पैनकेक में, और अभी भी पानी बंद नहीं हो रहा है भाई, जिसकी वजह से हमें बार बार ये रेनकोट पहनने पड़ रहा है, जो कि वो भी ख़राब ही हो चुका है ऑलमोस्ट। तो भाई भीग तो गए हैं, बाकी देखते हैं यहाँ से निकल के, और कुछ जगह बंद ही नहीं है भाई, एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है क्योंकि अब पहुँच रहे हैं, बारिश का कुछ भरोसा नहीं है। फूड तो यहाँ पर जो कैंप है ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये पनीर पकौड़ा, यहाँ पर
वेजीज वगैरह के लिए। यहाँ पर हमारा हनी चिली पोटैटो और चाय हमने एक ही मंगाई जिसको हम 1/2 कर ली। तो ये हमारा फूड रहा और ये इस कैंप में हमारा एक्सपीरियंस रहा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। बस अगर बारिश नहीं हो रही होती ना तो और मज़ा आ जाता, पर क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग ऐसे टाइम पर आए कि बारिश हो रही है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं उसके लिए। तो बस अब फूड इन्जॉय करते हैं, उसके बाद अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं भाई बस के लिए। और ये भाई हम लोग का बैग रखो पैक हो गया। और ये भाई रूम हमारा, गाइस अब कुछ नहीं है, मस्ती आ रहा है। बॉस का टाइम बहुत अभी आएगा, बॉस का बहुत है, तो अभी हम लोग मस्ती आ रहे हैं इस मॉल में। पर और अभी हम लोग भाई मॉल के आ गए रूफ टॉप पे, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट। और यहाँ इस पेट्रोल पंप पर हमारी बस लगनी है। टाइमिंग है बस का भाई 8:20, यानी कि अभी 20 मिनट और है, अभी 8 बजे। पानी बंद हो गया। हमने भाई वेदी ट्रैवल्स की बस बुक करी थी और लौटते हुए राम दलाल की, जिसमें हमने वेदी ट्रैवल्स का ब्लॉग भी बनाया पूरा कि किस तरह से क्या क्या रूट कवर करती है, क्या क्या सारी चीज़ें सब बताई। और ये भाई हम लोग की बस आ गई यहाँ पर, जो राम दलाल की बस है ना उसका भी इंटीरियर ऑलमोस्ट वेदी ट्रैवल्स के जैसे ही है। इवन जो सिटिंग है, जो सीट्स वगैरह हैं, वो सब सेम ही है क्योंकि वॉल्वो की है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आप चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर आपका लेग रेस्ट, थाई रेस्ट और जो सीट है वो तो कंफर्टेबल है ही। देखा जाए तो मतलब कि दोनों वॉल्वो ही हैं, तो बस अकेला ट्रैवल कंपनी का फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। और एसी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो ब्लैंकेट्स वगैरह भी दे दिए। ओके लो लेग रूम का पहली कमी, वॉल्वो तो सेम ही है, ये भी 9600 है। गाइस ये कोई राजीदार रिसोर्ट पे रुकी है और अभी टाइम हो गया 11:30, तो ये इसका पहला हॉल्ट है। तो बस इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज डे टू में जो भी धर्मशाला में देखा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई अपने बंदों को शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, बहुत ही जल्दी किसी बहुत ही तगड़े ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा यारों। ये रही हमारी बस, ये रहा भाई रिसोर्ट,